चलिए आज गति का तृतीय नियम क्या कहता है से देखिए। गति का तृतीय नियम बड़ी आसान, सबसे आसान मस्त वाला उदाहरण है गति का। हम लोग किसी को मारते हैं, अगर हम लोग किसी को मारते हैं है ना, मारते हैं, क्या आपको भी चोट लगता है? चोट लगता है। कोई लड़का इन्हें मार देता ना देख रहे, समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, दिखाने की जगह मार दिए चोट, हमारा सही में लग गया चोट। तो गति मारते पूरा मारे है ना, तो चोट लगता है कि ना? चलिए बंदूक जब चलाते हैं ना बंदूक, तो बंदूक चलाने के बाद पीछे भी झटका लगता है, पीछे की ओर झटका महसूस होता है। बंदूक चलाए पीछे झटका लगता है, किसी को मारते हैं हमको भी चोट लगता है, दीवाल में मारे हमको भी चोट लगता है। फुटबॉल का मैच खेले हो, दो खिलाड़ी टकरा गया आपस में गोड़ा से गोड़ा, एक को नहीं लगता है का, खाली एक को लगता है। अरे दोनों को लगता है, दोनों के लगता है, दोनों के का लगता है? चोट लगता है। अने अगर आप फुटबॉल को मारते हो तो आपका भी पैर में चोट लगता है, फुटबॉल के मारते आपका भी पैर में चोट लगता है। आप पर बैठे कौन कौन हो, नाव पर बैठे कौन कौन हो? कोई नहीं, या नाव है सुनो, नाव से अगर हम कूदते हैं, नाव से अगर हम उछलते हैं, तो आप आगे की ओर बढ़ जाओगे, आगे अगर नाव पर चढ़े और नाव से आप उछल रहे हो तो आप आगे चल जाते हो और नाव पीछे चल जाता है। कोई भी चीज से अगर मान लो कि वो खड़ा है, तैर रहा है, कोई चीज पर तैर रहा है, और अगर आपसे उससे कूदते हो, आप उससे उछलते हो ना, तो आप आगे जाओगे और वो क्या चल जाएगा? पीछे जाएगा। सुने जी, हम लोग चलते हैं ना जमीन पर हम लोग चलते हैं तो जमीन पर चल रहे ना बाबू, तो जमीन हम लोग जमीन को धक्का दे रहे हैं, जमीन पर हम लोग ताकत लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं जमीन पर, जमीन भी हमारे ऊपर बल लगा रहा है, जमीन भी हमको धक्का दे रहा है, जमीन भी हमको धकेलने की कोशिश कर रहा है। हम लोग चलते हैं तो जमीनवा के दबा देते, जमीनवा धकेल देते, रहा दब जो, लेकिन दबे ना वो हो तो रहा धकेल दो, तब वो धकेल दो जिसलिए उसी कारण हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सुने जी, अगर वो ना धकेल तो तू धकेल रही और वो ना धकेल तो वह तो रहा धकेल ले, धकलिए रहा तो कैसे आगे बढ़ भी, वो धकेलता है हम लोग को भी, जिसके कारण हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब गति का तृतीय नियम क्या कहता है ने? गति का तृतीय नियम कहता है कि तू जेकर पर बल लगे भी वो हो तोर पर बल लगे तो, और तू जितना बल लगे भी उतना बल वो हो लगे तो। सुना, तू जितना बल किसी वस्तु पर लगाएगा ने, वो वस्तु भी तुम्हारे ऊपर उतना ही बल लगाएगा, और दोनों बल आपस में बराबर होगा, और दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। विपरीत विपरीत दिशा मतलब तू इन्हें लगा रही तो वो इन्हें लगेगा, कि वो उन्हें लगा देता, उन्हें ना लगेगा। अगर उन्हें लगा देता है तो ककरो मारती है तो चोट ना लगते, मारो ये हम इन्हें बल लगाओ ये तो वो हो उन्हें बल लगाओ जिसके कारण हम लोग को चोट लगता है। दीवाल में मारते हैं ना तो दीवाल में हम बल लगाए तो यो हो हमारे ऊपर बल लगाता है जिसके कारण चोट लगता है, और जितना बल हम लगाते हैं ना उतना ही बल उधर से भी लगता है। दोनों बल बराबर होता है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। यही घटना को हम लोग गति का तृतीय नियम कहते हैं, और इस घटना पर जितना भी उदाहरण दिमाग में आ रहा है सब गति का तृतीय नियम। यानी चोट उठ लगना, आगे पीछे जाना, सब कौन सा उदाहरण पर होगा? गति का तृतीय नियम। समझ में आ रहा है? गति का तृतीय नियम का अगर किताबी परिभाषा जानोगे तो किताब में लिखा है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया।
क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया को ही गति का तृतीय नियम कहते हैं। एकर मतलब क्या हुआ, क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया। एकर मतलब हुआ कि क्रिया मतलब कोई काम करना, क्रिया मतलब काम काम। तुम किसी पर काम की यानी बल लगाई, क्या लगाई, बल। तो क्रिया मतलब हुआ तुम किसी पर बल लगाए। विपरीत प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया मतलब तुम्हारा जो काम हुआ ना उस पर, जिस पर आप काम किए वो भी प्रतिक्रिया किया। प्रतिक्रिया मतलब वो भी रिएक्ट किया, वो भी रिएक्शन किया, मतलब वो भी पलट के जवाब दिया। प्रतिक्रिया मतलब वो भी जवाब दिया। सुना ना है, तू मार ली गांधी जी वाला समय ना है कि मार दली तू चुपचाप, तो वो हो दे दे एक जापर न। तो क्रिया मतलब कि समझ गया किसी वस्तु पर बल लगाना, तो यो हो तोरा पलट के जवाब देता। ये चुपचाप ना रहता, यो हो बल लगा देता। तो जब ये पलट के जवाब देता तो एकरे का कोई है प्रतिक्रिया। इसे क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया। यानी जो तुम काम किया उसका प्रति, प्रति मतलब जवाब देना पलट के। वो भी उधर से तुमको काम कर देगा उस पर, वो भी वही काम करेगा तुम्हारे ऊपर, वो भी पलट के तुम्हारे ऊपर बल लगाएगा, तुमको जवाब देगा। उसी को क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया। तो अगर कोई वस्तु पर तू क्रिया किया तो प्रतिक्रिया भी होगा, और एक दूसरे के विपरीत होगा, ये इधर होगा तो ये इधर होगा, और दोनों क्या होगा, समान। इसी को क्या बोलते हैं, गति का तृतीय नियम। अभी हो गया किताबी परिभाषा, इससे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसी को अगर आप आसान भाषा में समझना है, इसी को अपना भाषा में समझना है, तो एकर मतलब हुआ ठेठ भाषा में कि तू जेकरा पर बल लगे भी वो हो तोर ऊपर बल लगे, तो और दोनों बल आपस में का होता बराबर, और एक दूसरे के कैसा दिशा में होगा, विपरीत दिशा में। इसी को बोलते हैं गति के तृतीय नियम। चलिए, तो ये ठेठ भाषा में क्या हुआ गति तृतीय नियम, कि तू ककरो ऊपर बल लगाएगा, तुम अगर किसी के ऊपर बल लगाएगा तो वो भी पलट के तुम्हारे ऊपर बल लगाएगा। तुरंत लगे तो रुकल ना रहता, इना कि आवल दी 3 बजे तब तोरा हम बताओ ये सब ना है ना, वो लड़ जित तुरंत तुरंत लड़ जित, जो देखल जित देखल जित। तो तुरंत वो भी अगर पलट के तुम्हारे ऊपर बल लगाया, और दोनों बल अगर आपस में बराबर है, और दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में, तो इसी घटना को, इसी बात को गति का तृतीय नियम कहते। समझ रहे हो जी, मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तो दूसर का वस्तु भी तुरंत बल लगाता है एक वस्तु पर, और दोनों बल आपस में बराबर है, और दोनों बल एक दूसरे के विपरीत में है। इसी बात को, इसी घटना को, इसी को गति का तृतीय नियम कहते हैं। इसलिए जब हम लोग बंदूक चलाते ना बाबू, बंदूक, तो बंदूक जब गोली आगे बढ़ता ना, गोली आगे बढ़ता है ना, तो बंदूक भी हम लोग के पीछे झटका देता है। जितना बल आगे बढ़ता है जितना बल से ना, उतना बल से हम लोग को पीछे भी झटका लगता है। इसका मतलब गति, बंदूक चलाते समय जो झटका महसूस होता है ना, वो गति का तृतीय नियम। किसका उदाहरण, गति के तृतीय नियम। सुने, अगर हम लोग किसी को मारते हैं ना दीवाल वाल में या किसी को भी, तो हम लोग को चोट लगता है, हम लोग के भी चोट लगता है, ये गति का कौन नियम, तृतीय नियम। काहे तू मार ली वो हो तुरंत तुरंत मारल का, वो भी तुमको मारेगा। दोनों बल आपस में बराबर होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। इसका मतलब ये भी उदाहरण गति का तृतीय नियम। सुन रहे हो जी, हम लोग चलते हैं ना, चलते हैं ना, चलते हैं ना, गति का तृतीय नियम। चलने में भी गति का तृतीय नियम काम करता है। हम लोग जब चलते हैं तो पैर से जमीन को धक्का देते हैं नीचे की ओर, तो जब हम लोग चलते हैं ना, जब हम लोग चलते हैं ना, सुनो, जब चलते हैं तो धक्का दो, ये धक्का कि प्यार से रखता है, आहा आहा, धक्का देते हैं ना, तो धक्का देते हैं तो जमीन भी हम लोग को धक्का देता है, उतना ही बल से हम लोग को जमीनों धकेल देता है, जेकर कारण आगे बढ़ जाते हैं। तो जो चलते हैं वो भी कौन नियम, गति के तृतीय नियम। नाव है ना, नाउ नाउ, या कोई वस्तु मान लो चक्का पर रखा हुआ है, चक्का पर, चक्का वाला कोई बैरिंग वाला कोई रहता ना,
ना चलने वाला, वायरिंग वाला कोई वस्तु पर आदमी खड़ा होकर चलता भी इधर उधर, देखे होंगे वायरिंग लगा है, चक्का लगा है उसके ऊपर, हाँ, तो उस तरह का कोई वस्तु है। तो आप अगर वहां से चलो दौड़ोगे ना या उससे रख करके आगे चौकने कोशिश करोगे ना, तो आप अगर आगे जाओगे तो वो भी क्या होता है, पीछे चल जाता है, समझे जी? नहीं होता चक्का उक्का पर छोड़े किनारे गलतून मुहे भरक गिर जाता है, वो पीछे हट जाता है ना, बचपन छोड़े कभी कभी ना मुहे भरक गिर गए, वो घसक जाता है, ओकरा लगता है ना घसकेगा, घसे जैसे कुर्सी ले ली ने छोड़े ने यहाँ चढ़ किनारे पर ये घसक गया मुहे भरक गए ना। तो इस तरह कभी भी सुनो सुनो, तो कभी भी नाव उसे अगर हम लोग उछलते हैं ना, नाव उसे कूदते हैं ना, तो नाव से कूदते हैं तो नाव पर जितना बल लगा के हम लोग आगे कूदते हैं ना, आगे जितना हम लोग नाव पर बल लगाते हैं ना, नाव भी आपके ऊपर उतना ही बल लगा देता है, जिससे नाव वाला बल से हम लोग आगे चल जाते हैं और हम लोग वाला बल से नाव क्या होता है, पीछे चल जाते हैं। तो कहीं भी इधर वाला भी बल लगाया, इधर वाला भी बल लगाया, एक आगे गया एक पीछे गया, एक आगे झटका महसूस किया एक पीछे झटका महसूस किया, वहां जो उदाहरण, उस तरह का जो उदाहरण है, उस तरह का जो घटना है, सब गति का तृतीय नियम। सुने जी, फुटबॉल का मैच में दो खिलाड़ी टकरा गया, गति का तृतीय नियम, वो भी बल लगाया ये भी बल लगाया, दोनों बल बराबर, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ये मार दिया अपना काम कर दिया तू चुपचाप रहता, वो हो मार देता प्रतिक्रिया कर देता, सुना? और दोनों आपस में क्या होगा, बराबर और एक दूसरे का विपरीत। इसका मतलब फुटबॉल का मैच में जब दो खिलाड़ी आपस में टकरा जाता है तो ये भी किसका उदाहरण है, गति का तृतीय नियम, समझे जी? हम लोग दीवार में मार देते हैं, बेंच में मार देते हैं, कोई चीज पर मार देते हैं, है ना, सूखा हुआ चीज पर मारते हैं तो हमको चोट महसूस होता है, हमको चोट लगता है, वहां भी गति का तृतीय नियम, क्योंकि आप बल लगा के मारे ना तो वो भी आपके ऊपर बल लगाया, जितना बल आप लगाए उतना बल वो भी आपके ऊपर लगाया, दोनों बल समान, दोनों बल एक दूसरे का विपरीत, इसका मतलब ये किसके कारण आपको चोट लगा, गति का तृतीय नियम के कारण। सुने जी।